आसाराम को अभी जेल में ही करनी होगी तपस्या। जमानत पर हाईकोर्ट में 18 सितंबर को होगी सुनवाई। सेशन कोर्ट 30 तक फैसला सुरक्षित रखा गया। मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों से मिले पीएम सोनिया और राहुल। हर संभव मदद का दिया भरोसा। सुरक्षा घेरा तोड़कर पीड़ितों से मिली सोनिया गांधी। नीतीश कुमार के मंत्री नरेंद्र सिंह का बेतुका बयान। नरेंद्र मोदी को बताया मानसिक रोगी। पागल खाने ले जाने की दी सलाह। अलीगढ़ के डीएम राजीव रौतेला का बेशर्म बयान। गांव सीमा पर शहीद होने के बाद पैसा और सुविधा की मांग करते हैं सेना के परिवार वाले। सलमान खान ने एक बार फिर दबंगई दिखाई। फोटो खींचने पर फैंस को मारा थप्पड़। मोबाइल छीन कर फेंका।